बढ़िया तरीके से आता है और यहाँ से झड़ाई होके पीछे के पीछे निकल जाता है साबत के लिए। अच्छा फील्ड है, बड़ा फील्ड है और खड़ा फील्ड है, तो 3 एकड़ घंटे की प्रोडक्शन है इस मशीन की। इसके 1 घंटे में 7 लीटर डीजल लेती है जी, 7 से 8 लीटर के समथिंग ले। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चारा साबत निकाल के देती है, भी काटेगी और गेहूं भी काटेगी, दो फसलों को बड़ी अच्छी तरह से काटती है। जुताई में बहुत फायदा है, किसान को कोई दिक्कत नहीं कि भी जुताई करने में प्रॉब्लम होती है, 1 महीने के अंदर इसको बिल्कुल कम्प्लीटली सीख जाता है बंदा, ड्राइविंग भी और इसकी रिपेयर। नमस्कार भैया जी, भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवीन मलिक। अच्छा जी भैया कहाँ रहते हो आप? ये अपना स्टेट पड़ता है जी यूपी, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, विलेज काटीखेड़ा। अच्छा हाँ जी। तो भैया जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये जो मशीन है पूरे भारत की सबसे बड़ी धान कटाई की मशीन है। हाँ जी, भारत की सबसे बड़ी धान कटाई की मशीन है। एक्चुअल में क्या है, ये 7 रोक की मशीन होती है। अच्छा। इंडिया के अंदर अभी जो चल रही है मशीन है वो 5 रोक है, 6 रोक है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी मशीन है क्योंकि इसके अंदर 7 रोक होते हैं। रोक इसको बोलते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको 7 रोक बोलते हैं। अच्छा। और इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं हम, इसकी चौड़ाई है लमसम 8 फीट जी। अच्छा। हाँ जी 8 फीट तो है। ये जो मशीन है जी, 1 घंटे में लगभग कितना एरिया कवर करती है? देखिए अगर इसके लिए अच्छा फील्ड है, बड़ा फील्ड है और खड़ा फील्ड है, तो 3 एकड़ घंटे की प्रोडक्शन है इस मशीन। अच्छा। की अब मान लो कोई बड़ा प्लाट है जी, तो काम ज्यादा करेगी नहीं करेगी? हाँ उसमें अच्छा काम करेगी, अगर ज्यादा बड़ा प्लाट मिल जाता है, चकोर है, बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देगी और उसकी प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा मुझे एक बात बता, जैसे ये जो मशीन है। हाँ जी। अब मान लो कहीं पे पानी ज्यादा, धान की जो खेती होती है पडलिंग पानी में ही होती है जी, जी, कितना जी। भी पानी हो। हाँ जी हाँ जी, देखिए इसके अंदर एक अलग तरीके की चैन दी हुई है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जो मशीनें चलती हैं वो टायरों पे चलती हैं। पानी में काम करने वाली मशीन है? हाँ जी, पानी के अंदर 100% काम करेगी, क्योंकि ये बेल्ट दी होती है इसमें, ट्रैक, इसको ट्रैक बोलते हैं जो बेल्ट होती है। अच्छा। इसको ट्रैक बोलते हैं, ये ट्रैक दिया होता है इसके अंदर क्योंकि पानी में काम करते हैं। और दूसरा एक सिस्टम और होता है मशीन, अगर हमारे यहाँ ज्यादा दलदल वाला क्षेत्र है या कोई ज्यादा पानी है तो मशीन ऑटोमेटिकली अपना मुंह करके ऊपर उड़ जाएगी। ऑटोमेटिक? हाँ ऑटोमेटिक ऊपर उड़ जाएगी। हाँ जो मशीन है ये जापान की है। अच्छा। और जो इसमें 3 मशीनें आती है जी जापान से, कुबूटा, यनमार और इसी की। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो मशीन है ये कितने एचपी की भैया मशीन है? ये मशीन का इंजन इसका 114 HP है जी। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे तरफ से भाइयों को इसका इंजन दिखाएंगे भैया? हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा यहाँ से खुलती है? हाँ जी, ये ओपन होता है। अच्छा। ये इसका हाइड्रोलिक रेटर है। अच्छा। ये टर्बो का रेटर है। अच्छा। ठीक है जी। और ये इसका जो एक इसमें जो फ्यूल है। अच्छा। उसको फ्यूल को ठंडा करने वाला भी रेटर दिया हुआ है इस मशीन के अंदर। बिल्कुल जी। हाँ जी, आधुनिक तकनीकी की मशीन है ये। इसका एयर क्लीनर हो गया? ये एयर क्लीनर है जिसका, जिसको वाला। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये कब साफ होता है? ये साफ करते हैं जी, जैसे सुबह चलाई मशीन। अच्छा। तो सुबह साफ करके इसको अच्छी तरह हवा मार के इसके जो फिल्टर होता है, और जब इसको ड्राइव करना पूरे फील्ड के अंदर। ये क्या चीज है भैया? ये इसका पानी डालने का होता है जी। अच्छा। ये इसका केबिन हो गया? हाँ जी केबिन है जी, इसको खोल के देखो। एसी केबिन है ना? हाँ जी एसी केबिन होता है। अच्छा, मतलब किसान भाई लंबे समय तक इस पे काम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जी ये जो मशीन है सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर एक है, क्योंकि ये इसमें लीवर पे ड्राइव नहीं होती, क्योंकि कुबूटा की और भी मशीन है इंडिया के अंदर वो गियर पे ड्राइव होती है, इसमें लीवर दिया होता है इस जगह पर। अच्छा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्योंकि इसमें स्टेयरिंग दिया हुआ था, आदमी इसको कंफर्टेबल तरीके से यूज में ले सकता है फील्ड के अंदर। लंबे समय तक काम करता जी जी बिल्कुल, इसमें कंफर्टेबल है, इसकी सीट भी अच्छी है। अच्छा। इससे ड्राइव होती है आगे और इससे लेफ्ट राइट होती है, जो स्टेयरिंग है। अच्छा। इससे लेफ्ट राइट होगी और ये जो लीवर है इससे आगे ड्राइव होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अच्छा बाकी इसमें एसी की व्यवस्था? हाँ जी एसी की व्यवस्था है और म्यूजिक सिस्टम भी दिया है। बाय द वे किसान बोर हो जाता है चलाता चलाता, तो इसको ड्राइवर इसमें म्यूजिक भी सुन सकता है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है जी मशीन की। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा आप ये मशीन कब से चला रहे हैं भैया? जी हम इसको 2016 से चलाते हैं, मशीनों को रिसेल भी कर रहे हैं इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज और है, इसमें एलईडी दी हुई होती है। अच्छा। जो पीछे का जो कैमरा है, पीछे भी कैमरा होता है और एक साइड में भी होता है। अच्छा। जिससे कि आदमी अपने को सारी की सारी चीजें यहाँ पे बैठ के देखता रहे इसमें। बिल्कुल जी, जी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। मतलब किसान भाई को सब कुछ केबिन में मिल? हाँ जी केबिन में ही सारी व्यवस्था है इस चीज की, केबिन से ही हर चीज को देख सकता है, जा सकता है। अच्छा, रात में भी कटाई कर सकते हैं? हाँ जी रात को 2-3 बजे तक चला सकते हैं इसको। अच्छा जी बिल्कुल जी बिल्कुल। भैया ये जो अपनी मशीन है, हाँ जी, किस तरीके से धान की कटाई करती है? देखिए धान की कटाई होती है, इसमें नीचे ब्लेड दिए होते हैं ये वाले। अच्छा। ये ब्लेड होते हैं, इसको बोलते हैं स्टीप। अच्छा। ये इधर से काटती है। अच्छा। और इधर आ जाइए, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, इधर काट के और इस तरह चैनों द्वारा आता है इसमें। अच्छा। और यहाँ पे झड़ाई होके इसकी, ये इसमें ये चीज जो है ये इसकी झड़ाई करती है जी। अच्छा। हाँ इस पे चैन को आता है माल, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आता है और यहाँ से झड़ाई होके पीछे के पीछे निकल जाता है साबत का साबत। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चारा साबत निकाल के देती है मशीन। मतलब किसान पशुओं के लिए आप किसान भाई को भागने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल चारा अपना सही सलामत बिल्कुल एक्यूरेट डालती चली जाती है बिल्कुल झाड़ने के बाद।
एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जी बस दाना ही दाना छुटाती है धान के अंदर से। अच्छा हाँ जी, अगर मान लो मुझे चारा नहीं चाहिए, तो चारा नहीं चाहिए तो इसमें ये सिस्टम दिया होता है जिसको बोलते हैं SMS। अच्छा हाँ जी SMS। इंडिया में SMS का तो मतलब कुछ और होता है भैया? नहीं, SMS का मतलब वो बड़ी मशीनों पर होता है जी, बड़ी मशीन पे जो लगा हुआ होता है हार्वेस्टर पे। अच्छा, लेकिन इसको भी SMS ही बोला जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लोड नहीं लेता है, ओनली एक सिंगल बेल्ट पे चलता है। अच्छा, बड़ी मशीन में क्या है वो बहुत ज्यादा लोड लेता है, वो कम से कम 25 HP ले लेता है इंजन की। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तवे दिए हुए हैं, इसमें धार होती है बहुत तेजी वाली, और ये काट के 1 इंची का या 1.5 इंची का टुकड़ा करके काट सकते हैं आप इसको। बिल्कुल। अच्छी तरह से जुताई में बहुत फायदा है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है कि जुताई करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब किसान को दोबारा वो चलाना पड़ती मोटर वगैरह होती है? हाँ, बस एक दफे की बाम है जी, सारे का सारा ये कम्प्लीटली सफा हो जाएगा खेत के अंदर, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। हैरो से जोत सकते हैं, चाहे रूटर से जोत सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप उस तरह से इसको जोत सकते हैं खेत को, इसके कटे हुए को। अच्छा, इसका जो ग्रेन टैंक है, हाँ जी, ये कितने केजी का है लगभग? इसका केजी का जी, इसका 11 क्विंटल का है ग्रेन टैंक जो है। अच्छा, हाँ जी, ग्रेन टैंक कैपेसिटी 11 क्विंटल है। अच्छा, और ओपन हो जाता है, जिसको चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। कैसे ओपन होगा, दिखाएंगे? वो थोड़ा बोल्ट लगा हुआ है, खोलना पड़ेगा वो। बाकी ऊपर चढ़ के देख सकते हैं? हाँ जी, ऊपर चढ़ के देख सकते हैं आप इसको। अच्छा भैया, ये जो मशीन है क्या डीजल में है? हाँ जी, डीजल में है जी। ये 1 घंटे में कितना डीजल लेती है? देखिए, इसके 1 घंटे में 7 लीटर डीजल लेती है जी, 7 से 8 लीटर के समथिंग लेगी जी बस। अच्छा, हाँ जी, उससे ऊपर नहीं लेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा भैया, आप रहते हो हापुड़ क्षेत्र में? हाँ जी। हम रहते हैं बरेली जी, मेरी आपकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर की जी। बिल्कुल, ये जो मशीन है जी, मान लो हमारे किसान भाई से लेना चाहते हैं, हाँ जी, इसका मेंटेनेंस वगैरह कैसे किसान भाई करेंगे? देखिए, मेंटेनेंस इतना कोई डिफिकल्ट तो होता नहीं है, सारी चीजें फोर्टेबल होती है। कोई भी एक जैसे इस तरह से इस चीज को खोलना है तो इसको एक इसको इस तरह से इसको खोल दो। अच्छा, और ये चीज खुद ही ओपन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और रख रखाव की बात करते हैं तो रख रखाव इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी चैनें दी हुई है या ब्लेड दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली सब में पाइपलाइन बिछी हुई है, कंपनी ने पाइपलाइन दी हुई है, जो एक जगह इसको फ्यूल को डाल देते हैं, इसके अंदर एक ऑयल चलता है। अच्छा, जो अपना ऑयल नॉर्मली होता है। बिल्कुल। चैन पे लुब्रिकेशन करने के लिए एक स्विच दिया होता है मशीन के अंदर। अच्छा, उसमें बोतल में तेल डाल दो, 5 लीटर की बोतल होती है, उसमें तेल डालने के बाद आप स्विच करें, उसको पुशअप करें, ऑटोमेटिकली पूरी मशीन में लुब्रिकेशन हो जाता है। तो ये जो मशीन आप बोल रहे थे कि मतलब ऊपर उठ भी जाती है? जी जी, ऊपर उठ भी जाती है। जैसे कीचड़ ज्यादा होती है, कुछ दलदली क्षेत्र होते हैं अपने यहाँ। अच्छा, तो उसमें ये 2 से 3 फुट उठ जाती है मशीन। बिल्कुल, हाँ, 3 फुट की इसकी उठने की कैपेसिटी होती है जी, 3 फुट उठ के काम करती है मशीन। ये चैन का देखिए सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि कीचड़ में और गीले में अच्छा सक्सेस है, फंसती नहीं है, बैठती नहीं है, कहीं भी कीचड़ में चला सकते हैं, कितनी भी चिकनी मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आप मेंटेनेंस वगैरह कैसे करेंगे चैन का? चैन का कोई नहीं जी, देखा है सबसे बड़ा इसके इसको पक्के पे ना चलाएं। अच्छा, जितना हो सके पक्के पे इसका परहेज करें चलाने का। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कच्चे में आप कहीं भी चला सकते हैं इसको, क्योंकि पक्के पे थोड़ा सा टूटने का और इसको खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। बिल्कुल जी, जी। तो प्लान में कहीं भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, प्लान पक्का हो चाहे कच्चा हो। ये रबड़ की है? हाँ जी, रबड़ होती है ये। अच्छा जी भैया, ये जो मशीन है ऊपर उठ जाएगी? हाँ जी, उठ जाएगी, अभी बंदा उठा के दिखाएगा आपको। अच्छा, हाँ, इतनी उठ जाती है ऊपर ये। अच्छा, और नीचे भी हो जाती है जी, ये इस तरह से नीचे भी हो जाती है, सारी व्यवस्था होती है, साइड से भी उठ जाएगी और किधर से भी आप इसको मूव करते हैं चारों दिशा के। नहीं, पलटती नहीं है जी, पलटने की कोई वो नहीं है इसके अंदर में। अच्छा, आप चारों तरफ इसको मूव कर सकते हैं जी, पलटने की कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से किया है इसको। तो भैया, ये जो मशीन है जी, हमारे दर्शक भाई इस मशीन से लगभग कितना दीदी का पैसा कमा सकते हैं? देखिए जी, तो चलाने के ऊपर बात है जी, जितना इसमें चलाएंगे उतना ही बेनिफिट पाएंगे। बिल्कुल जी, आप इसको 24 घंटे ड्राइव कर सकते हैं, ना ही इसको होस से कोई प्रॉब्लम है मशीन को। बिल्कुल, क्योंकि कुछ हार्वेस्टर इंडिया के ऐसे होते हैं होस के अंदर वो दाना मारते हैं पीछे। अच्छा, इसमें वो चीज नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ओनली दाना ही दाना, जहां जो बाल होती है दाने की वही अंदर जाएगी, इसलिए इसको हाफ फीड बोला जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब किसान का कोई भी दाना इसमें नहीं रहेगा? नहीं जी, नहीं, कोई दाना इसके अंदर रुकता नहीं है। मशीन को जब आप इसको एक बार इसको खाली करेंगे, स्टार्ट होने के बाद जब ही बंद होगी, जब इसका सारा दाना रित जाए। ये जो मशीन है भैया, हाँ जी, तो एकदम तो हर कोई इसे चला नहीं सकता है जी, तो क्या व्यवस्था है, कुछ ट्रेनिंग की करते हैं आप? हाँ जी, देखिए इसमें एक व्यवस्था हो रहा है हमारे पास में, अगर कुछ किसान भाई या कोई ड्राइवर अपना ये सोचे कि हमको चलाना सीखना है पहले। अच्छा, या इसकी मेंटेनेंस सीखना है, तो हमारे पास हर चीज की सुविधा है जी, हम अपने पास रखते हैं बंदे को। अच्छा, उसको मेंटेन भी करते हैं, उसको ड्राइवरी भी सिखाते हैं इसकी। कितने टाइम में मतलब बंदा समथिंग जी, 1 महीने के अंदर इसको बिल्कुल कम्प्लीटली सीख जाता है बंदा, ड्राइविंग भी और इसकी रिपेयर भी। ये जो मशीन है, हाँ जी, कोई इसे लेना चाहता है, हाँ जी, तो क्या व्यवस्था है इसे लेने की? देखिए व्यवस्था ये है जी, इसको लेने के लिए देखो इन पर फाइनेंस वगैरह की सुविधा तो होती नहीं है। अच्छा, हम आपको साफ सब करके बता दें पहले, क्योंकि कुछ किसान भाई ये पूछेंगे भी फाइनेंस हो जाता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें फाइनेंस की सुविधा नहीं हो पाती है, डायरेक्टली कैश होता है जी। अच्छा, हाँ जी, अब किसी को मतलब इसके कोई स्पेयर पार्ट वगैरह चाहिए? हाँ जी, वो अपने पास है? हाँ जी, सब चीज अपने पास है इसके। अच्छा, स्पेयर पार्ट सारे, जब मशीनें रखी थी मशीन से पहले तो स्पेयर पार्ट लाने रखने होते हैं जी।
मशीन से पहले स्पेयर पार्ट लेके आते हैं? हाँ जी, सबसे पहले स्पेयर पार्ट आते हैं, उसके बाद मशीन आती है जी। मतलब सर्विस का बहुत ध्यान रखते हैं? हाँ जी, सर्विस पहले जी, क्योंकि किसान हम चाहते हैं किसान लोग बेचारे परेशान ना हो इसके लिए। आपकी टीम में लगभग कितने लड़के काम करते हैं? अपनी टीम में जी 35 लड़के काम करते हैं फील्ड में। हाँ जी, 35। अच्छा जी, तो अपने यहाँ में ये जो मशीन है जी, ये तो सबसे बड़ी मशीन है। हाँ जी, कितने मॉडल अपने यहाँ इस मशीन? अपने पास में जी ये जो इस मॉडल की जी 4 मॉडल अभी और खड़े हैं अलग जगह पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक ये है जी। अच्छा। ये फाइबर ओक है, कुबूटा है जी ये। अच्छा, कुबूटा वाली। हाँ जी, ये डायनामैक्स मॉडल है कुबूटा का। अच्छा। हाँ जी, ये ER 572। अच्छा। 572 है जी ये भी एसी केबिन है। अच्छा। इसी तरह का इसका भी वर्क है जी, सेम वर्क है सभी मशीनों का। एक घंटे में कितना काम करेगी लगभग? इसका एक घंटे में 1.5 किलो काटेगी जी ये मशीन। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मेड इन जापान है जी सारी। ये वाली मशीन ये इसी की है जी। अच्छा। हाँ जी, देखिये हम लोग जो बेचते हैं मशीनें सारी जापान की बेचती है, ये इसी की है जी। ये इसी की का मॉडल है जापान का। अच्छा। ये 6 रो है जी। अच्छा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सभी मशीनों की। अच्छा। वही काम है सबका, वही साबत प्राली और चारा काट के भेजना। अच्छा, सभी जो मशीनें सब डीजल वाली हैं? हाँ जी, सभी डीजल में है मशीनें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सभी का स्पेयर पार्ट अपने पास? सभी का अवेलेबल है जी मशीन। अच्छा। हाँ जी, सभी के फोरमैन है? सब चीज के फोरमैन, ड्राइवर, सब चीज के, हर चीज अवेलेबल है जी अपने पास। हमारे पास दोनों व्यवस्था होती है, अगर किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो हमारी फुल सपोर्ट है और उसको दे भी देंगे जी मशीन। हम बेचने का काम भी और चलाने का काम भी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसको फील्ड में चलाते भी है मशीन को और बेचते भी है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो मशीन है, हाँ जी, अब मान लो किसी को पसंद आती है, हाँ जी, कोई संपर्क करना चाहता है जी, तो संपर्क कैसे करेगा? और कुछ मान सम्मान होगा नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा जी, अगर आपके द्वारा आपकी वीडियो देख के आते हैं उसके लिए अलग मार्जिन देंगे जी हम। अच्छा। हाँ जी, बाकी से किसी को लेना है, हाँ जी, तो कुछ इसकी डेमो वगैरह आपने दिखाए हैं? हाँ जी, डेमो के लिए हम आपको, अगर किसी को देखना है हमारे पास आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, विलेज काटीखेड़ा है हम। अच्छा। सारा एड्रेस वीडियो में भी डाल देंगे उसमें। अच्छा। और आके अपना खुद इसको आंखों से देखे जी, सबसे बड़ी चीज होती है किसान भाई हमारे पास में आए और इसको खुद ही आके अपनी आंखों से देखे मशीन को। क्या नंबर है भैया आपका? जी अपना नंबर है 97-60-67-35-72 और एक दूसरा नंबर है, भाई का ही नंबर है, बड़ा भाई है ये। अच्छा। 90-58-039-627। अच्छा। हाँ जी, तो भैया ये जो मशीन है, हाँ जी, खेत में जाएगी कैसे? पहिए तो लगे हुए नहीं है? देखिए इसका जाने का जो व्यवस्था होती है जी, एक डिप्लर बनवाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा। जो 15x7 का होता है। अच्छा। 15 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा। बिल्कुल। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हमारे पास में यहाँ पे खड़ा हुआ है ये। अच्छा। ये ट्रैक्टर से जुड़ जाता है, इसमें रैंप लगे हुए होते हैं। अच्छा। इसको जोड़ के और मशीन ऑटोमेटिकली खुद चढ़ जाएगी, इसमें बंदा ड्राइव करेगा वो चढ़ जाएगी ऊपर और उसको लेके जा सकता है। भैया ये जो मशीन है, हाँ जी, क्या सिर्फ धान ही काटेगी? नहीं जी, इसमें धान भी काटेगी और गेहूं भी काटेगी, दो फसलों को बड़ी अच्छी तरह से काटती है। गेहूं कैसे निकालेगी? गेहूं का भी वही सिस्टम है जी, पराली साबत आप दाना छुटा लेगी और पराली साबत पीछे डालती चलेगी, इसको रीपर से भूस बना सकता है किसान। अच्छा। हाँ जी, तो दर्शक भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी मशीन दिखाई, ये जो मशीन है लेबर से बिल्कुल छुट्टी देने वाली है और आपका खर्चा भी बहुत कम होगा। जिससे भी इस मशीन को खरीदना है आप भैया के दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जो हमारे दर्शक भाई वीडियो देखकर अगर जाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी जी बिल्कुल, इस वीडियो को मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। तो भाइयों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय किसान।